सर्दियां अपने चरम पर हैं। कड़ाके की ठंड का असर सिर्फ मनुष्यों और जानवरों पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे गार्डन में लगे हुए पौधे भी इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सर्दियों में पौधे खराब होने लगते हैं और उनकी सेहत बिगड़ने लगती है। आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने टेरेस गार्डन में लगे पौधे की कैसे देखभाल करें कि वे कड़ाके की ठंड में भी हरे भरे और रोग मुक्त बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अर्बन ग्रीनरी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि टेरेस गार्डन से संबंधित मेरे प्रत्येक नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं कि सर्दियों में अपने टेरेस गार्डन में लगे हुए पौधों को ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि सब्जियों, फूलों एवं फलों के पौधे हरे भरे बने रहें। इसी से संबंधित कुछ आसान से टिप्स को अपनाकर हम अपने गार्डन में लगे पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं। सर्दियों में चूंकि सूरज का प्रकाश पौधों को कम प्राप्त होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में धीमी होती है। इसलिए पौधे अपना भोजन ठीक से नहीं बना पाते हैं और वे कमजोर हो जाते हैं। सबसे पहले पौधे को बचाने के लिए उनके जड़ों के समीप की मिट्टी से खरपतवार को निकालकर उनकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है ताकि वहाँ की मिट्टी साफ हो जाए, क्योंकि अनावश्यक खरपतवार पौधे का पोषण चुराते हैं जिससे पौधों का ग्रोथ प्रभावित होता है। मिट्टी की गुड़ाई करने से पौधे वातावरण से नाइट्रोजन अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं जिससे उनका सही ग्रोथ सर्दियों में भी होता रहता है। गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों में जमी हुई अनावश्यक नमी भी समाप्त हो जाती है जिससे सर्दियों में पौधे की जड़ों के गलने अथवा सड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाती है, जो पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए जरूरी है। सर्दियों में पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वातावरण में नमी काफ़ी अधिक होती है तथा सूर्य का प्रकाश पौधों को या तो कई कई दिनों तक प्राप्त नहीं होता है अथवा कम मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। इसलिए पौधों में पानी तभी दें जब उनकी जड़ों के समीप की मिट्टी 2-3 इंच नीचे तक सूखी हुई हो। कोहरे या फिर ठंडी हवाओं की वजह से पौधों के पत्ते ना सिर्फ मुरझा जाते हैं बल्कि कई बार यह पूरी तरह से खराब भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में खराब पत्ते और टहनियों को काटकर हटा देनी है तथा मिट्टी के ऊपर गिरे हुए खराब पत्तों को गमले या ग्रो बैग से हटाकर अच्छी तरह से पौधों को साफ कर देनी है। सूखे और मुरझाए हुए पत्ते पौधों से पोषण खींचने का काम करते हैं। अगर उन्हें काटकर नहीं हटाया गया तो इससे पौधों के दूसरे पत्ते भी खराब हो सकते हैं, कई बार तो पूरे पौधे ही खराब हो जाते हैं। सर्दियों में ठंड के प्रभाव से पौधों को बचाने के लिए उसके जड़ों को चारों ओर से सूखी घास, सूखे पत्ते या सूखी हुई लकड़ियों के छिलके की 2-3 इंच मोटी परत से ढककर उसकी मल्चिंग कर देते हैं, जिससे सर्द हवाओं एवं कुहासे का प्रभाव पौधे पर कम से कम पड़े। मल्चिंग के लिए उपयोग में लाए गए सूखी घास, सूखे पत्ते या लकड़ियों के छिलके पौधे की जड़ों से अनावश्यक नमी को सोख कर उसे खराब होने से बचाते हैं। सर्दियों के मौसम में तापमान में जैसे जैसे गिरावट आती है पौधों का सर्वाइव करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब वातावरण में ज़्यादा ठंडक हो तो उन्हीं पेड़ पौधों को लगाएं जो मौसम के हिसाब से उपयुक्त हो। कई बार हम गर्मियों में लगने वाले पेड़ पौधों को ज़्यादा सर्द मौसम में लगाते हैं जिससे उन पौधों में कोई ग्रोथ नहीं होता है तथा कई बार तो वे मर भी जाते हैं। अतः सर्दियों के मौसम में जहाँ तक हो सके नए पेड़ पौधे जो मौसम के उपयुक्त न हों उन्हें लगाना अवॉइड करें तथा ज़्यादा ध्यान पहले से लगे हुए पौधे को बचाने में लगाएं। इससे आपकी बगिया सर्दी में भी हरी भरी बनी रहेगी। सर्दियों में पौधों को बचाने के लिए पौधे की जड़ों एवं उसके आसपास की मिट्टी की टॉप ड्रेसिंग करें। इसके लिए मिट्टी की गुराई करके उसे अच्छी तरह से बराबर कर दें जिससे पौधे की जड़ों पर ठंड का प्रभाव कम करने में मदद मिलेगी। सर्दियों के मौसम में
चूँकि पौधों के भोजन तैयार करने की प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए उन्हें अनावश्यक रूप से ज़्यादा मात्रा में खाद न दें, क्योंकि इस मौसम में पौधे अधिक खाद का इस्तेमाल न कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा मात्रा में खाद देने से पौधे खराब भी हो सकते हैं। सर्दियों के बाद जब बसंत ऋतु की शुरुआत होगी, तब खाद का प्रयोग करना ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा ठंडे मौसम में पौधे की नर्सरी न लगाएं, क्योंकि ठंड के मौसम में बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। अतः नर्सरी लगाने पर हो सकता है कि उनका अच्छा रिजल्ट हमें प्राप्त न हो। यदि ज़्यादा ज़रूरी हो तो खुले एरिया के बदले इंडोर एरिया में नर्सरी लगाने का काम सावधानीपूर्वक करें, तथा जब बीज जर्मिनेट हो जाएं तब उन्हें धूप निकलने पर धूप में रखें, नहीं तो नर्सरी के पौधे अपने नॉर्मल लंबाई से ज़्यादा लंबे और कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे वे अपना वजन भी नहीं उठा पाएंगे और मर जाएंगे। जब बाहर कुहासा हो या ज़्यादा सर्दी हो तो नर्सरी वाले गमले को घर के अंदर या बालकनी में रखना सुनिश्चित करें। यदि बताई गई प्रक्रिया के अनुसार आप अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में लगे हुए सब्जियों, फलों एवं फूलों के पौधे की देखभाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पौधों पर सर्दियों का असर काफ़ी कम होगा, तथा सर्द मौसम में भी आपकी बगिया के पौधे खिले खिले से नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं टेरेस गार्डन के इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड गार्डनिंग।